यहाँ पर 2% जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ जाएगी अगर जीएसटी पास हो जाता है, क्या ये ओवर ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच है? हिमांशु कुमार, आपसे इसके बारे में जानना चाहिए। नहीं, अगर ओवरऑल बात करें तो स्ट्रक्चर एक हो जाने से रेवेन्यू तो इंक्रीज होगा ही होगा, इसमें किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं है। क्योंकि अभी क्या होता है, अलग अलग एंट्री पॉइंट होती है जहाँ पे टैक्सेशन को आप कह सकते हैं रिड्यूस किया गया है, बहुत तरह के और भी ऊपर नीचे चीज़ें करके चीज़ों को रिड्यूस किया जाता है। जब एंट्री पॉइंट खत्म हो जाएगी ऑटोमेटिकली, जब आप पेमेंट एक जगह करके पूरे इंडिया में आप मूव कर सकते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपका जो रेवेन्यू है वो इंक्रीज करेगा ही करेगा। सपोज आप बिहार से चलते हैं और वेस्ट बंगाल जाते हैं, तो आपको एंट्री पॉइंट पर बहुत जगह टैक्स देना पड़ता है। अगर आप एक जगह ही पे करके आप पूरे रास्ते आप निकल जाते हैं, ऑटोमेटिकली क्या है कि जब वो पेमेंट गवर्नमेंट को जाएगी तो आपका रेवेन्यू इंक्रीज करना ही करना है। होता क्या है कि एंट्री पॉइंट पे बहुत तरह की चीज़ें मैनिपुलेट की जाती है, बहुत से ऐसे पॉइंट होते हैं जहां पे टैक्स अवॉइड हो जाता है। तो इससे कहीं कोई डिबेट नहीं है कि ये इंक्रीज होना ही होना है। थोड़ा सा ये देखने वाला है कि कैसे इस स्ट्रक्चर को ये चैनलाइज करते हैं और कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। इस प्रेजेंट स्वरूप में आपको क्या लगता है कि जीएसटी बिल है वो कितना जायज आप मानते हैं? इसको देखने का दो तरीका होना चाहिए। अभी क्या हो रहा है कि हम बीजेपी और कांग्रेस के एंगल से देख रहे हैं, इसमें देखने का तरीका ये होना चाहिए इंडस्ट्री और कॉमन मैन। अगर हम इंडस्ट्री की बात करें तो इसमें कोई डिबेट नहीं है कि इससे इंडस्ट्री को बहुत बहुत ही रिलैक्स हो जाएगा, कंप्लायंस कम हो जाएंगे, डॉक्यूमेंटेशन कम हो जाएंगे, पेपर वर्क कम हो जाएगा, डिपार्टमेंटल जो हेडक है सर्विस टैक्स को डील करना, एक्साइज को डील करना, वैट को डील करना, उसमें आपको बहुत ही रियायत हो जाएगी। प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? इंड यूज पे। इंड यूज की अगर हम बात करें, अभी तक ग्लोबली ये देखा गया है कि जब भी जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ है अप्रॉक्सीमेटली जो कॉस्टिंग है वो 1-2% तक इंक्रीज कर जाती है। मेरे हिसाब से गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा ये 1-2% को कैसे वो मैनेज करती है। जी वाकई, यहाँ पर इंडस्ट्री की आपने बात कही, क्या एक व्यू भी हम एक्चुअली लेना चाहेंगे। हम इस वक्त हमारे साथ दिलीप पिरामल जी जुड़े हुए हैं, चेयरमैन वीआईपी एंड प्रेसिडेंट इंडियन मर्चेंट चेंबर्स के। सर आपका बहुत स्वागत है इस पूरी डिबेट में। कल राज्यसभा में 57 सीटों के लिए चुनाव है, इन चुनावों के बाद बीजेपी के राज्यसभा में स्थिति मजबूत होगी, आप कितने होपफुल हैं कि मॉनसून सत्र में जीएसटी बिल पास हो जाएगा? अभी तो देखो यही धारणा है कि मॉनसून सेशन में ये हो जाएगा पारित जीएसटी का बिल, तो और कोई परसेंटेज कहना तो मुश्किल है, लेकिन आशा यही रखते हैं कि अभी हो जाना चाहिए। जी जी बिरमल जी, आप कॉर्पोरेट इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, तो कॉर्पोरेट इंडिया कितना डेस्परेट है जीएसटी के पास होने को लेकर, कितना होपफुल है? देखिए डेस्परेट तो होना, कोई डेस्परेट तो कुछ नहीं है, लेकिन जैसे रिफॉर्म प्रोसेस है ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है उसमें, और ये हो जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। इससे क्या है, एक तो प्राइसेस वगैरह स्टेबलाइज हो जाएंगी, सारे देश में एक ही टैक्स स्ट्रक्चर, यूनिफॉर्म टैक्स स्ट्रक्चर आ जाएगा इनडायरेक्ट टैक्सेस में, सेल्स में, और इससे डेफिनेटली 1-2% ऐसे लोगों की धारणा है कि 2% जीडीपी में इसमें वृद्धि होगी, तो बहुत अच्छी चीज़ है। और जब होएगी, जब होएगी, भारत में ऐसा ही कोई काम बहुत जल्दी से तो नहीं होते हैं, 20 वर्ष हो गए, 25 वर्ष हो गए रिफॉर्म प्रोसेस को, तो अभी 25 वर्ष के बाद ये होगा तो अच्छी बात है। जी तो जीडीपी ग्रोथ रेट अच्छी होगी, ये जीएसटी को लेकर एक पॉजिटिव संकेत सामने आ रहा है एक्सपर्ट्स की तरफ से। मोहम्मद अली खान, आपकी मांगों को तो एक्सपर्ट्स खारिज कर रहे हैं, मानने को ही तैयार नहीं है। जो मैंने सुना अरविंद साहब को बोलते हुए, इनफैक्ट मैं तो उनसे सहमति रखता हूँ। अब आई डोंट नो यहाँ पे आप कैसे बोल सकते हैं खारिज करें, बिकॉज उन्होंने जो बात बोली कि ये बिल जो है ये एक सेइंग होती है प्रशासनिक सर्कल्स में, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्कल्स में, कि डोंट मेक बेस्ट द एनिमी ऑफ गुड। अगर आप एक अच्छा बिल बना सकते हैं तो अच्छा बिल बनाइए, डोंट एम फॉर द बेस्ट, क्योंकि उस प्रोसेस में आप लोग खो जाएंगे। मगर यही डर है, एक्चुअली यही डर है कि देखिए कॉम्प्रोमाइज़ तो किया है इन्होंने, कॉम्प्रोमाइज़ किया, बोले 1% वो ये लागू करेंगे टैक्स, और माना कि ये आइडियल नहीं है, मगर इसी वजह से तो हम कह रहे हैं कि चलो ये सब बातें एक तरफ, जो 18% वो है जो आप जितने बेनिफिट्स लोगों ने बोले, हम जानते हैं इन बेनिफिट्स के बारे में, इसी उद्देश्य से तो हम लोगों ने जीएसटी इंट्रोड्यूस किया था और ड्राफ्ट किया था पहला वर्जन, हम जानते हैं ये फायदे होंगे, मगर उन फायदों को गारंटी करने के लिए इसलिए हम कह रहे हैं एडिशनल सेफगार्ड कीजिए, ये संविधान में आप संशोधन लाइए और अमेंडमेंट लाइए। किसी और ने भी कहा कि संविधान में बहुत मुश्किल हो जाएगी, बट वो मांग पर हमारा कोई एक्सपर्ट एक जो राय है वो रख नहीं पा रहा है। देखिए वो उनकी राय है, ये हमारी राय है, हम मानते हैं
कि अगर ये सचमुच गारंटी करना है जीएसटी का बेनिफिट, जो समझते तो आपको हैं कि संविधान में इसे हार्ड कोड को करना पड़ेगा, पूरी तरह खारिज कर रहे हैं। मैं ये जरूर कहूँगी कि हम लोगों की भी स्टैंडिंग कमेटी बैठी थी पार्लियामेंट में, आपको भाजपा के स्पोक्सपर्सन बताएंगे उसकी रिपोर्ट के बारे में। उसकी रिपोर्ट में इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स को भी कंसल्ट किया गया था और उन इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स ने राय दी थी कि ये तीन चीज़ें कॉज ऑफ कंसर्न है। अरविंद जी ने भी बोला कि कॉज ऑफ कंसर्न है और ये बेस्ट वर्जन नहीं है। तो हम कह रहे हैं कि बाकी सब बातें छोड़ो, कुछ चीज़ें तो गारंटी कर दो, जिसमें से एक चीज़ ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन में हार्ड कोड कर दो। हम समर्थन देंगे आपको, 2/3 मेजोरिटी चाहिए, हम कह रहे हैं समर्थन देंगे आपको, मगर आप लोग हमें इस बात पर मीट ही नहीं कर रहे हो हाफ वे। जी 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 टीपी, मैं आपसे जरूर आए लूंगी। टीपी ओसवाल जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं इस पे? देखिए, अभी कांग्रेस कह रही है कि हम आपको समर्थन देंगे, अभी तो समर्थन दे नहीं रही है। दूसरी बात, जब कांग्रेस ने ओरिजिनल बिल सोच के रखा था पार्लियामेंट के सामने, तो उस समय इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल में प्रोविजन क्यों नहीं की थी? ये सिर्फ एक अड़ीबाजी करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात करने की चेष्टा हो रही है और इससे सोच रहे हैं कि चलो कॉन्स्टिट्यूशन में इसके कारण अमेंडमेंट नहीं होगा तो बिल पास नहीं होगा। मेरे हिसाब से ये वाजिबी नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी प्रोविजन होनी चाहिए। प्रोविजन तो लॉ में ही होनी चाहिए और लॉ लेजिस्लेटर्स को अधिकार होना चाहिए कि कितना रेट होना चाहिए, यदि वास्तविक परिस्थिति में जरूरत पड़े तो रेट भी बढ़ाने की क्षमता होनी चाहिए। यदि कॉन्स्टिट्यूशन में हम लाते हैं, नो डाउट इट इज बेनिफिशियल टू द पब्लिक एट लार्ज, बट ये दिस इज नॉट ए प्रैक्टिकल वे। ये कोई लक्ष्मण रेखा बांध के नहीं रख सकते हम लोग देश।